नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर के 192 केंद्रों में आज टीकाकरण किया जाएगा। विभाग ने राजधानी में 26,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है, मगर कोवैक्सीन के सिर्फ 220 डोज ही उपलब्ध हैं। गौरतलब है कि कल रायपुर में 4 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले थे। 7 सितंबर को भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश में सूखे की स्थिति और खरीफ फसलों के संभावित स्थिति की समीक्षा सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। करीब एक माह बाद कैबिनेट की बैठक होने के कारण विभिन्न विभागों के कई प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित हैं, जैसे यात्री बस किराए में 25% की बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है उसको कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। साथ ही रावणभाटा स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की जमीन के बदले ट्रस्ट को रायपुर नगर निगम में जमीन संबंधी प्रस्ताव भी अनुमोदन के लिए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राज्य में राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से राहत दिलाने के लिए नामांतरण की प्रक्रिया को सरल करने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया जा सकता है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक आज होगी। यह बैठक विधायक कॉलोनी में शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी। बैठक में सरप्लस धान की नीलामी के संबंध में चर्चा होगी। दिवंगत पंचायत शिक्षक संघ के परिजन आज कफन ओढ़कर प्रदर्शन करेंगे। ये लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। बीते 45 दिनों से आंदोलनरत दिवंगत पंचायत शिक्षक संघ के परिवारजन सप्रेशाला मैदान के पास कफन ओढ़कर प्रदर्शन करेंगे। रायपुर के चौक चौराहों से 84 भिक्षुओं को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा मोवा में भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में रखा गया है। भिक्षुक पुनर्वास केंद्र की संचालक सोशल एक्टिविस्ट ममता शर्मा का कहना है कि प्रोजेक्ट के तहत भिक्षुकों का पुनर्वास किया जाएगा और उनका स्किल डेवलपमेंट कर उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। कि जितने बेघर वास्तविक हैं उनको चिन्हांकित किया जाए, अगर वाकई उनके पास में कोई रोजगार के लिए कोई ऐसा उनका उपलब्ध नहीं है, समाधान नहीं है, या उनके घर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको लेकर के सरकार चाहती है कि वो यहाँ पर रहें तब तक उनके स्वास्थ्य और खाने पीने की व्यवस्था। दूसरे चरण में इनको लेकर के एक कौशल यूनियन का जो होता है, स्किल डेवलपमेंट से इनको जोड़ा जाएगा। जिसको जिस तरह का इंटरेस्ट दिखाई देता है, किसी को स्टिचिंग पे होगा, किसी को खाने पीने की चीज़ बनाने, किसी को डेकोरेटिव आइटम, तो उन सबको उसके लायक हम ट्रेनिंग से जोड़ेंगे। अधिकांश भिक्षुक दूसरे राज्यों से हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार के अधिक भिक्षुकों को पकड़ा गया है। प्रशासन इन सभी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर उनको अपने घर भेजेगा। देखिए, दूसरे राज्य के जो लोग हैं तो हमारा सखी वन स्टाफ सेंटर को भी इसमें जोड़ा गया है। उनका जो पोर्टल है उस पोर्टल में इनके डिटेल लेकर के हम अभी डालने वाले हैं, तो जिस दिन पोर्टल में चढ़ जाएगा दूसरे प्रदेश की पुलिस हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगी। वो अपने जिस भी थाना इनका संबंधित मोहल्ला थाना में लगता है वहाँ से वेरीफिकेशन होकर के हमारे पास आ जाएगा। जैसे आ जाएगा कि भाई इनका परिवार है और ये लोग बेगर प्रवृत्ति के नहीं है, ये किसी वजह से यहाँ फंसे मिले हुए हैं, तो हमारी जो भी विभाग है, पुलिस और प्रशासन, जिला प्रशासन, उनको वहाँ तक पहुँचाने में मदद करेगी। पकड़े गए भिक्षुकों से जब बात की गई तब उन्होंने अपना बचाव किया। बचाव में किसी ने कहा कि कोई ऐसे ही सड़क पर बैठे हुए थे तो पुलिस उनको उठाकर ले आई, तो कोई पानी पीने आने का बहाना देकर अपने आप को बचा रहा था। बेटा हमें इधर मांगती खजी आता तो इसके साथ में आ जाते हैं। इसके बच्चे गांव में हैं, दो बच्चे हैं, कानपुर जिला भोगनी थाना। टिफिन डब्बा को धरे थे, उनको धर कर हेड़ कर पानी लेने जा रही थी, वो मुझको भीख मांग रहे बोल के ना, वो पुलिस वाले धर के मुझको नान कर डाल दिया। मेरा आदमी को दो बच्चा नान लिया, एक लड़का एक लड़की, और उनको भी नान लिया, मुझको भी, मेरे बच्चे लोग को छीन कर उधर बच्चे वाले में डाल दिया। यही तेली बांधा का सर वहीं के निवासी है, बैठे थे सर स्टेज में, मॉर्निंग ड्राफ्ट में उसको उठा उठा कर ले आया सर। नहीं सर, तो ऐसे ही बैठा था सर, बैठता छाया है उसमें। वो गए थे पूरी को, आए पूरी से उतरे थे गाड़ी से, ट्रेन से जाने वाले थे घर को, तो गाड़ी आई गई, गाड़ी वाले ने पुलिया से तेली बांधा से पुलिया से लेके यहाँ आए।
हम भी पुरी से आए, हम पूरे लोग पुरी से आए थे, जगन्नाथपुरी से आए हम। रेलवे स्टेशन पर से हम उतरे, यहाँ उतरे तो खाना पका के खाए बा हम, तो यहाँ से हमारे तेली बांधा से हमको उठा के ला लिए। अब आगे ये देखना होगा कि ये मुहिम कितनी कारगर साबित होती है। कैमरामैन टिकेश्वर साहू के साथ नवरत्न पारशर की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर समेत प्रदेश के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं दक्षिणी और उत्तरी छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर इलाकों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार मीडिया के साथियों के हर सुख दुख में साथ खड़ी है। उनकी पेशेगत चुनौतियों और मुश्किलों को कम करने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। मीडिया कर्मियों की मुश्किलें जितनी कम होंगी, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की राह भी उतनी ही आसान होगी। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पत्रकारिता और उसके उच्च आदर्शों को संरक्षण देते रहने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को अपने निवास स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकार कल्याण कोष से स्वीकृत सहायता राशि के चेक वितरित किए। अब खबर गरियाबंद से है। नगर में दिसंबर माह से बिना किसी डिग्री या लाइसेंस के एक डॉक्टर द्वारा गांधी मैदान के कॉम्प्लेक्स में भूतेश्वर नाथ के नाम से अवैध क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था। इस बंगाली डॉक्टर द्वारा पंपलेट के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों का इलाज करने का दावा करते हुए प्रसार प्रचार भी किया जा रहा था, मगर स्वास्थ्य विभाग से कई स्थानीय लोगों ने इस क्लिनिक की शिकायत की, जिसके बाद विभाग की टीम ने इस क्लिनिक पर छापा मारकर दस्तावेजों की जांच की। तब पता चला कि डॉक्टर के पास डिग्री ही नहीं है, जिसके बाद पुलिस द्वारा इस क्लिनिक को सील कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में बीते एक साल के भीतर 16 हाथियों की मौत अलग अलग कारणों से होने की बात सामने आई है। काफ़ी लंबे समय से प्रदेश में हाथी और मानव का द्वंद चलता आ रहा है। 15 साल सत्ता में रही भाजपा की सरकार ने भी ये द्वंद खत्म करने के कई प्रयास किए थे, लेकिन इन प्रयासों में उन्हें नाकामी ही हाथ लगी थी। कांग्रेस सरकार भी प्रयास कर रही है कि हाथी और मानव के बीच का ये द्वंद खत्म किया जा सके, लेकिन हाथियों की मौत के आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। मामले में अब सियासत भी साफ साफ देखी जा सकती है। हाथियों की मौत पर आए आंकड़ों को लेकर विपक्ष भी अब कई सवाल खड़े कर रहा है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने हाथी और मानव द्वंद को लेकर 2.5 साल में कोई भी कार्य सरकार द्वारा नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर भी कई तंज सरकार पर कसे हैं। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हाथियों की मौत के पीछे किसी गिरोह के होने की आशंका भी जताई है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में हाथी और मानव का जो द्वंद चल रहा है, 2.5 साल व्यतीत होने के बाद में ये सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी है। जब लेमरू प्रोजेक्ट की बात आई, आज कहां पर है, क्या है, 2.5 साल में कहां बढ़ी है। दूसरी तरफ हाथियों के द्वारा जो जन और धन की जो हानि हो रही है, इसको रोकने में सरकार पूर्ण रूप से असफल है, महावत कमजोर साबित हो रहा है। हाथियों की मौत और प्रदेश में हाथियों की स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ हाथियों का विचरण क्षेत्र बन चुका है। पहले हाथियों की मौजूदगी सीमित इलाकों में थी, लेकिन अब ये शहरी इलाकों तक भी पहुंच गए हैं। उन्होंने हाथी अभयारण्य बनाने की योजना पर काम जारी रहने की बात भी कही है। वहीं इस चुनौती से निपटने के लिए विशेषज्ञों से रायशुमारी किए जाने की बात भी कही है। हाथियों का लगातार विचरण का क्षेत्र नया बन रहा है और बदल भी रहा है। सरकार की ओर से अपनी प्रायोरिटी है, हम लोग जहाँ जहाँ हाथियों के लिए अभयारण्य बनाने की हमारी योजना है उसमें तो काम चल रहा है, लेकिन इनका पूरा छत्तीसगढ़ अब इनका विचरण का क्षेत्र बनते जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके निदान के लिए विशेषज्ञों की राय इसमें ली जा रही है। निश्चय ही प्रदेश में आए हाथियों के मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वर्ष 2020 की बात करें तो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 10 हाथियों की मौत हुई थी। वहीं 2021 में अब तक 6 हाथियों की मौत हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर हाथियों की मौतें करंट लगने की वजह से हुई है। वहीं कई शव संदिग्ध हालत में भी मिले हैं।
ऐसे में इन मौतों पर सवाल उठना भी लाजमी है। अब देखना ये होगा कि इस चुनौती से निपटने और हाथियों की मौतों को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होता है, या फिर ये सभी प्रयास सिर्फ सफेद हाथी ही साबित होंगे। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल आज 1:30 बजे दोपहर में मीडिया से रूबरू होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चिंतन शिविर में जिस तरीके के बयान बीजेपी नेताओं की ओर से आए, उसका जवाब उन्हें दिया जाएगा। खासकर डी पुरंदेश्वरी ने जो बयान दिए हैं, उसे लेकर कांग्रेस काफ़ी गंभीर है और इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लक्ष्य खबरें, खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब सुनते हैं सुभाष की बात। हमारे पड़ोस का अफगानिस्तान अब तालिबान हो गया, एक राष्ट्र के रूप में तालिबान को मान्यता मिल रही है, कुछ देश उसे मान्यता दे रहे हैं। आज तालिबान ने अपना एक नेता भी चुन लिया, जो उनके धार्मिक नेता हैं उनको ही उन्होंने अपना नेता मान लिया। चूँकि तालिबानी एक सोच है जिसमें धर्म को प्रमुखता से लेकर जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो जो लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने तालिबान के रूप में अफगानिस्तान पे कब्जा किया, और बहुत सारे देशों ने, खास करके हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने उसको मान्यता देने के लिए या उसको प्रशय देने के लिए सबसे पहल की। अब सवाल ये है कि जो कुछ तालिबान में हो रहा है उसको लेकर हम यहाँ बात क्यों कर रहे हैं। रामचरितमानस में वो स्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि को नरप होए हमें कहानी। दरअसल ये बात ये है कि जो दासी मंथरा थी, वो रानी कैकेयी से जब ये बात कहती है तो ये बात समझ में आती कि अगर कोई राजा होता है तो उससे दासी को क्या फर्क पड़ेगा। दरअसल बहुत सारे लोग हमारे देश में इस तरह सोचते हैं कि कहीं पर भी कुछ हो उससे हमको क्या करना, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई मंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, पड़ोस में कुछ हो, पर ऐसा नहीं होता। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो एक ग्लोबल विलेज है। आज हमारे आस पड़ोस में जो कुछ भी होता है उससे हम प्रभावित होते हैं, जो कुछ घटना होती है उससे हम प्रभावित होते हैं, हमारे मूल मुद्दे उससे भटकते हैं। हम देखते हैं कि हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मुद्दों से भटकाने के लिए भी बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हमारे पास अगर पाकिस्तान जैसा देश ना हो, बहुत सारे लोगों को कोसने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हमारे पास यदि कश्मीर ना हो तो बहुत सारे मुद्दे अपने आप लोगों को ठंडे पड़ जाएंगे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हमारा भारत हो। दोनों जगह के नेताओं को और कश्मीर के नेताओं को भी अपनी बहुत सारी राजनीति करने के लिए ऐसे मुद्दे चाहिए जो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते हों या अन्य जातियों को भी आपस में लड़ाते हों। तो इस समय जो तालिबान है वो हम ये नहीं कह सकते कि कोई नरप होए हमें कहानी। को नरप होए हमें कहानी, चेरी छाड़ी की होई रानी। राज सत्ता का जब तख्ता पलटता है और जब दूसरी सत्ता आती है तो वो सत्ता हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करने वाली है, पड़ोसी राष्ट्र हमारे साथ किस तरह का रिलेशन रखेगा, ये निश्चित रूप से इससे हमको फर्क पड़ता है। आज पड़ोसी राष्ट्र अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद तालिबान जो है वहाँ काबिज हुआ है। ईरान की तरह यहाँ भी धार्मिक नेता जो मुल्ला अखुंदा जदा हैं वो वहाँ के अब नेता होने जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इससे इसलिए फर्क पड़ रहा है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उसके बयान आ रहे हैं कि वहाँ की सरजमी पर भारत के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हमारी को हमको तकलीफ़ हो।
चूंकि तालिबान एक तरह की कट्टरपंथी सोच है जो कथित धार्मिक मान्यताओं के आधार पर स्त्री पुरुष में भेद करके धर्म के नाम पर ऐसी शासन व्यवस्था चाहती है जिसमें कुछ ही लोग के पास जो कि पुरुषवादी सोच के हैं सारे अधिकार हों। ऐसे लोग आधुनिक वैज्ञानिक सोच और बराबरी के अधिकारों के खिलाफ होते हैं। हमारे देश में भी डेमोक्रेसी के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी पार्टियां तालिबानी सोच की है। अभी हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉट स्टार पर एक सीरीज आई द एम्पायर। इस सीरीज के आते ही लोगों ने सोशल मीडिया पे बवाल कर दिया। जिस बाबर को हमारे देश में कथित तौर पर बहुत गालियां देते हैं, जिसे एक लुटेरा आतताई बताते हैं, सीरीज में उसे एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो काबुल से आकर हिंदुस्तान में पानीपत में लड़ाई लड़ता है और फिर मुगल सल्तनत की वहाँ से शुरुआत होती है। द एम्पायर सीरीज जो है वो अब तक की जो किस्से कहानी है उससे एक अलग छवि बाबर की निर्मित करती है। तो जो लोग बाबर को गाली देते हैं, जो बहुत सारे मुसलमानों को बाबर के साथ जोड़ते हैं, उनकी राजनीति यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होती है। अगर बार बार चीज़ों को आप जोड़ते हैं चीज़ों से तो वो किस तरह बिगड़ सकती है उसका एक उदाहरण है। जम्मू कश्मीर को लेकर हमारे देश का सियासी पारा हमेशा चढ़ा रहता है। मोदी सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में भी लिखा था कि कश्मीर से धारा 370 हटाकर इससे जो विशेष राज्य का दर्जा था वो छीन लिया, यहाँ के नेता और बहुत समय तक नज़रबंद रहे, जनता को भी बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, अभी भी हालात वहाँ उस तरह से सहज नहीं हुए हैं जैसे होना चाहिए। वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जो कि कभी भाजपा के साथ भी रही है, उसने भी एक तल्ख बयान दिया है। अब तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है उनके पास जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार है। पाकिस्तान का समर्थन तालिबान को है, तालिबान के जरिए वो घुसपैठ की कोशिश करेगा। अभी हमारे देश में 5 राज्यों में खास करके उत्तर प्रदेश जहाँ की एक मुस्लिम बाहुल्य आबादी है वहाँ चुनाव होना है। तो अब ये चुनाव तो जब होगा तब होगा, पर तालिबान के बहाने अब इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। अभी हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो कोरोना काल में तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह की सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की उसकी आलोचना करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेक न्यूज़ से भरा है और सोशल मीडिया कंपनी पर इस तरह का कोई नियंत्रण नहीं है, खबरों के जरिए सांप्रदायिकता रंग देने की कोशिश लगातार हुई है जिससे हमारा देश बदनाम हुआ है। अब फिर एक बार अफगान जो कि तालिबान है उसके माध्यम से अब एक बार फिर से इसकी सियासी कोशिशें सोशल मीडिया पे दिख रही है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे अलग अलग बयान दिए, जो बयान निश्चित रूप से आने वाले समय को दर्शा रहे हैं कि ये चुनाव को लेकर बयानबाजी हो रही राजनीतिक पार्टियाँ जिनको तालिबान की महिलाओं से बच्चों से जो हताहत हो रहे उनसे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल उनको यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकना है, इसीलिए वो लोग तालिबान का नाम लेकर अब बहुत सारी बातें कह रहे हैं और पिछले उस इतिहास को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो इतिहास का पृष्ठ काला है और वो आपस में लोगों को डरा रहे हैं। हमारी सहयोगी रानी साहू के साथ देखिए छत्तीसगढ़ की 36 खबरें। ग्राम उद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार के निर्देशन में पैराशिल्प अब ग्रामीणों की आजीविका का साधन बन रहा है। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य शिल्प कलाओं का गढ़ है। राज्य की शिल्प कलाएं देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी खूबसूरती और सुंदर कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है जिसके लिए हस्तशिल्प विकास बोर्ड लगातार काम कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और AICC के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने कहा देश की जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम इस वक्त महसूस करते हैं कि सही बातें जनता के बीच में बताने की जरूरत है। यह ऐसा वक्त है कि देश की धरोहर को विरासत को एक तरीके से 70 साल के भीतर जनता की कमाई से खड़ी की गई संपत्ति को मेगा डिस्काउंट सेल लगाकर केंद्र की सरकार बेच रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बस्तर में बीजेपी के चिंतन शिविर के आखिरी दिन कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जगदलपुर के कृष्णा गार्डन में भाजपा के राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तर तक के बड़े नेता सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।
बड़े से हॉल में 2023 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की योजना बन रही थी, लेकिन इस बीच भाजपा की ही एक महिला कार्यकर्ता और पूर्व नगर मंत्री सुधा रानी हाथों में एक बॉक्स लिए गेट पर चंदा मांगने खड़ी हुई थी। सुधा रानी यह चंदा अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मांग रही थी, पर अफसोस की बात यह रही कि इतने बड़े कार्यक्रम में किसी ने भी एक रुपए तक की मदद नहीं की। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने के बाद से ही बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे थे। इसके चलते कई जगहों पर तो स्कूल बंद तक कर दिए गए। हालांकि टीचर को वैक्सीनेशन के बाद ही स्कूल आने की हिदायत दी गई थी। बावजूद इसके बिलासपुर में करीब 1000 से अधिक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। ऐसे में टीचरों को शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर तक आखिरी मौका दिया गया है, इसके बाद उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने देर रात 16 स्पा सेंटरों पर छापा मारा है। इसमें 2 सेंटर्स पर बाहर से दरवाजा बंद कर अंदर से मसाज सेंटर संचालित करने की बात सामने आई है। पुलिस की अचानक दबिश को देखकर सेंटर्स में मौजूद लोग दंग रह गए। बताया गया है कि पुलिस ने ये रेड स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चलाने की शिकायत पर की है। बस्तर में एक बार फिर से जगदलपुर दुर्ग एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ेगी। पिछले 2 सालों से इस एक्सप्रेस के पहिए किसी कारण से थमे हुए थे, जिससे बस्तर के लोगों को दुर्ग जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जल्द ही इस ट्रेन को फिर से शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी वॉल्टियर रेल मंडल के DRM अनुप कुमार सतपति ने अपने जगदलपुर दौरे के दौरान दी है। 9 महीने से लापता रायपुर पुलिस की महिला कांस्टेबल अंजना सहिस उत्तर प्रदेश के वृंदावन में फूल बेचते मिली। छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम उन तक पहुंची, अपने साथ वापस लाने की कोशिश की। अंजना ने घर वापस लौटने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वृंदावन में ही रहना चाहती हैं। अब पुलिस टीम मजबूर होकर खाली हाथ लौट रही है। 6 महीने के आयांश को नई जिंदगी मिलने जा रही है। नोवार्टिस कंपनी की ओर से आयोजित लॉटरी सिस्टम में नाम आने के बाद अब SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी से ग्रसित आयांश को बेंगलुरु के एक अस्पताल में 16 करोड़ रुपए की कीमत वाला यह इंजेक्शन लगेगा। आयांश बचपन से ही इस दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर पुलिस थानों में कुंडा निगरानी बदमाशों की क्लास लगाई जा रही है। सभी थानों में बुलाकर समझाइश दी जा रही है। अपराधों पर नियंत्रण विशेषकर चाकूबाजी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस उपनिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तारकेश्वर पटेल के निर्देशन में पिछले 5 वर्ष में चाकूबाजी करने वाले आरोपियों तथा थाना क्षेत्र के गुंडों की सूची तैयार की गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रमुख अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने कहा है कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पूर्व किसी हिंदू नेता की हत्या की जा सकती है। ऐसे बेबाक कथन यह सिद्ध करते हैं कि मतों के ध्रुवीकरण के लिए और जीत हासिल करने के लिए भाजपा किसी भी स्तर तक जा सकती है। राज्य के गरीब से गरीब बच्चों को निजी स्कूलों की तरह अच्छी सुविधाएं दिलाते हुए गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने अभिनव पहल की है। इसके तहत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को खोला गया है, जिसका मकसद अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाकर छात्रों को भावी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की असमानता को दूर किया जा सकेगा और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। गोल बाजार के दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए नगर निगम ने अपनी प्रक्रिया तेज कर दी है। जुलाई महीने में हुई निगम की सामान्य सभा में उठी मांग के अनुरूप महापौर एजाज ढेबर की अनुमति के बाद राजस्व विभाग के अध्यक्ष अंजनी राधेश्याम विभार ने 5 पार्षदों की समिति गठित कर दी है। गठित समिति में निगम की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कांग्रेस के साथ ही विपक्ष के भाजपा पार्षदों को भी शामिल किया गया, ताकि निर्णय लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पुरानी बस्ती थाना इलाके में साइबर ठग ने आर्मी अधिकारी होने का झांसा देकर फेसबुक पर एक्टिवा बेचने की पोस्ट डाली। एक्टिवा बेचने के नाम पर युवती से लगभग 50,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अज्ञात नंबर धारक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में कोमल सोनी ने शिकायत दर्ज करवाई है। राजधानी समेत प्रदेश भर के कर्मचारी शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर रहे।
वेतन विसंगतियों को दूर करने से लेकर अपनी विभिन्न मांग को लेकर कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश किया। इसके चलते राजधानी के लगभग सभी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर के सभी कार्यालय, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, नगर निगम सभी कार्यालय बंद रहे। कर्मचारी सुबह 11 बजे से कार्यालयों में एकत्र होकर आंदोलन कर रहे थे। सभी कर्मचारी रैली के रूप में बूढ़ा तालाब पहुंचे थे। कोरोना संकट काल के बाद राजधानी रायपुर के गार्डन और पार्क में इन दिनों रौनक आ गई है। सब परिवार गार्डन में घूमने आने वाले लोगों को जल्द ही यहाँ पर फूड जोन की सुविधा मिलेगी, यानी चाट पकौड़े आदि खाद्य सामग्री का लुफ्त लोग उठा सकेंगे। यही नहीं, इवेंट के लिए किराए पर भी जगह दी जाएगी। निगम मुख्यालय के सामने स्थित गार्डन का 5% यानी 2000 वर्ग फुट का हिस्सा सालाना 7 लाख रुपए के निजी कंपनी को ठेका दिया गया है। प्रदेश की राजधानी रायपुर और राजनांदगांव गुरुवार को सर्वाधिक गर्म जगहों में शामिल रहे। दोनों का ही अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में बढ़ोतरी की वजह से उमस में भी थोड़ी बढ़ोतरी होने लगी है। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रस्तावित छत्तीसगढ़ यात्रा पर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि किस विकास को देखने राहुल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसे छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार ने 32 माह में 32 कार्य भी नहीं किए हैं जिन्हें देखने राहुल आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल ने कहा है कि राहुल गांधी को अपनी ही सरकार से सवाल करना चाहिए कि जिन उम्मीदों के साथ जनता ने सरकार बनाई है उसे पूरा करने की दिशा में छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार ने क्या किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बस्तर संभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे कर्मयोगी कार्यकर्ता ही भाजपा की शक्ति हैं, जो जमीन से जुड़कर बस्तर के जनता के बीच पहुंच मिशन 2023 के लिए अभी से अलग जगा रहे हैं। जब भी कार्यकर्ताओं ने ठाना है तो भाजपा की जीत सुनिश्चित हुई है। राज्य में छत्तीसगढ़ आयुर्वेद यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड ने फर्जी डॉक्टरों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इसके तहत आयुष के पंजीकृत डॉक्टरों को हर 5 साल में अपने दस्तावेजों का नवीनीकरण व सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। वर्ष 2019 में सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन के निर्देश के बाद यह व्यवस्था दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में लागू की जा चुकी है। राज्य में बड़े पैमाने पर फर्जी आयुर्वेद डॉक्टरों के मामले सामने आने के बाद राज्य आयुर्वेद चिकित्सा बोर्ड ने भी इस नियम को कड़ाई से पालन करने की बात कही है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बलरामपुर जिले के बलंगी पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम कोगवार में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 75 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपी देवी दयाल द्वारा घर से लगे गौशाला में गांजा को छिपाकर रखा गया था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी को रिमांड पर भेज दिया है। इस इलाके में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में गांजा की जब्ती की गई है। जब्त गांजा की अनुमानित कीमत 7,50,000 रुपए आंकी गई है। जिला मसीह समाज संघ के मतांतरण का बेवजह आरोप लगाए जाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। मसीही समाज के पदाधिकारियों ने अवगत कराया है कि पूरे प्रदेश भर में मची समाज के लोगों पर मतांतरण का आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य कई तरह के सामाजिक विरोध भी किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ व मारपीट तक की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।